तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो अक्सर हमने पहले कहीं ना कहीं टेस्ट में किए हुए हैं, तो जिसके बेस पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है अभी तक, क्योंकि अभी एग्जाम जून में होगा नेट का, और आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स इन ह्यूमन ब्लड एज 5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मीटर मिलीमीटर सॉरी प्लेटलेट्स, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। इसके अंदर आरबीसी जो होती हैं उनकी जो है दैट इज 5 मिलियन क्यूबिक मीटर के अंदर, ये इसका ये होता है। तो आंसर इसका होगा आरबीसी। सेकंड क्वेश्चन है इसका, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड इज न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। तो आंसर शुड बी द न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट्स, देन मोनोसाइट्स, देन इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। ओके, अगेन द क्वेश्चन, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड इज फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड सबसे लास्ट में बेसोफिल्स जो होती हैं, ये इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्फा एंटीट्रिप्सिन इज ए न्यूट्रोफिल, इन न्यूट्रोफिल इज ए अल्फा एंटीट्रिप्सिन, इसके बारे में ये न्यूट्रोफिल्स में क्या काम करता है, प्रोटीजेस या एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होता है, या प्रोटीज इनहिबिटर होता है, या हिस्टामाइन होता है। ये एक्चुअल में अल्फा ये होता है, ये प्रोटीज इनहिबिटर का काम करता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेमेलियन ओसाइट प्रायर टू स्पर्म एंट्री इज अरेस्टेड एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, प्रोफेज वन ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, जी1 फेज ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल एंड मेटाफेज ऑफ द मियोसिस सेकेंड। तो एक्चुअल में जो मेमेलियन ओसाइट के बारे में हम दो चीज पढ़ते हैं कि डिप्लोटीन में तो वो अरेस्ट हो जाता है, और वो जब गर्ल चाइल्ड पैदा होता है तो उसके अंदर जो अरेस्टेड जो प्राइमरी ओसाइट स्टेज होती है वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड होता है, और जब प्यूबर्टी होती है 14 ईयर्स के आसपास तो वो उसके बाद वो चेंज होता है उसमें, फिर मियोसिस स्टार्ट होता है। तो लेकिन जो ये प्रायर टू स्पर्म एंट्री, ये मेटाफेज सेकेंड के अंदर अरेस्ट हो जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, ये वो क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखना है कि डिप्लोटीन स्टेज के अंदर अरेस्ट तो पहले होता है, और बाद में होता है ये मेटाफेज पे अरेस्ट हो जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये मेटाफेज सेकेंड जो है ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लू लाइट रेस्पॉन्स, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, स्टिमुलेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटेनाइज सिंथेसिस होता है, इन्फेक्शन प्रोसेस इन बैक्टीरिया, एनायन अपटेक इन एल्गी ये भी होता है, इनिबिशन ऑफ सीडलिंग हाइपोकोटाइल इलोंगेशन ये भी होता है, लीफ एपिडर्मल सेल एक्सपेंशन ये जो होता है ये याद कीजिए कहां पर है। यदि आप इसको पहचान गए हो तो ये होता है इसमें यूवीआरएच वहां इन्वॉल्व होता है। ये ब्लू लाइट नहीं होता, ये अल्ट्रावायलेट लाइट का होता है इफेक्ट, एपिडर्मल सेल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टाइमिंग ऑफ द लीफ एब्सिशन इज रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड ऑक्सिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन एंड ऑक्सिन एंड जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन। टाइमिंग ऑफ द लीव एब्सिशन ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इथाइलिन और ऑक्सिन के इंटरेक्शन की वजह से होता है, ये इंटरेक्शन करता है। आप इसके लिए डिटेल में तेजनजीगार और कोई फिजियोलॉजी की बुक देख सकते हैं, वहां पर ये मिल जाएगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रिप्टोफैन, द
HY4 gene encodes a 75 kilodalton protein with significant sequence homology to microbial photolyase, a blue light activated enzyme that repairs pyrimidine dimer DNA caused by the exposure to ultraviolet light. Ye correct hai isme. Because of this sequence similarity, HY4 protein, later named CRY1, was proposed to be a blue light photoreceptor mediating stem elongation. So, first wale ke andar actual mein kya hai ye? This is the enzyme photolyse. Photolyse jo hai ye karta hai isme, repair ka kaam karta hai. Third alternate hai isme. Cryptochromes also show photolyse activity. Fourth hai isme activated FAD chromo. Of cryptochrome causes a conformation change in the protein. ये cryptochrome है यहाँ पर. तो इसका है cryptochrome जो होता है ये photolyse activity नहीं show करता है. cryptochrome जो होता है ये photolyse की तरह है but उसके अंदर एक domain नहीं होता. उस domain के differences की वजह से ये photolyse activity नहीं करता. means ये जो वो नहीं करता ये डीएनए रिपेयर का काम नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 8, रिड्यूस प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम B6F, फोटोसिस्टम फर्स्ट, पैराडॉक्सिन एंड P680. तो ये जो करता है ये साइटोक्रोम B6F को करता है. ये जो रिड्यूस प्लास्टोसाइनिन जो होता है प्लास्टोक्विनोन ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा. आइडेंटिफाइंग रॉन्ग मैच वॉयलेट रेंज 400 टू 425 nm जो इसकी वेवलेंथ है, ब्लू लाइट की 425 टू 90, ऑरेंज 555 और 640 और ग्रीन जो होता है ये 580 टू 585. तो इसको हम विबग्योर से कर सकते हैं VIBG. और तो ये जो है ग्रीन जो है ये वेवलेंथ ग्रीन की नहीं होती, ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग मैच है इसमें, बाकी का मैचिंग ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट अवॉइडेंस मैकेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय डेजर्ट प्लांट इज द प्रेजेंस ऑफ डीप रूट सिस्टम, करेक्ट. ये है इसमें जो है avoidance of mechanism, yes, deep root system इसका, और इसके अंदर next जो है इसमें CAM metabolism, presence of spines and presence of succulent tissue. ये जो होते हैं ये additional feature हैं, लेकिन avoidance जो होता है that is the deep root system. Answer first is the correct one. ये drought avoidance जो है ये इसका यहाँ से यदि किसी plant के अंदर ये डीप रूट सिस्टम मिलेगा तो इसका मतलब वो ड्रॉट अवॉइड करने वाला प्लांट होगा. आंसर फर्स्ट जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सोडियम इनटू वैक्यूल इज कैरीड आउट बाय नॉन सेलेक्टिव कैटायन चैनल्स NSCCS, SOS3 SOS2 complex, sodium hydrogen exchanger and HXs and p-type ATPases. Answer is sodium proton exchanger जो है ये इसको वो करता है. Answer third. Question number 12, a researcher found a chordate animal in which blastopore forming the anus, forming anus means it is deuterostome, protonephridia as an excretory organ and it is the chordate. Okay, so protonephridia इसमें excretory होते हैं and persistent notochord होती है, enterocoelous coelom होती है. On the basis of the observation, animal should be the cephalocortex. It should be the cephalocortex. क्योंकि hemichordates में जो होता है ये हडवानी आता है. नहीं, हेमिकोर्डेट्स में सॉरी ये आता है बेलेनोक्लोसस, सिफेलोकोर्डेट्स के एम्फियोक्सस और यूरोकोर्डेट्स के अंदर हंडवानिया एंड साइक्लोडोसोम्स के अंदर लैम्प्रेज एंड मिक्सिंस वगैरह ये आते हैं.
क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट्स हैव फ्लावर ओनली इन शॉर्ट डेज, देयर फ्लावरिंग इज एक्सेलरेटेड बाय शॉर्ट डेज एंड फ्लावर ओनली इन लॉन्ग डेज एंड देयर फ्लावरिंग इज एक्सेलरेटेड बाय द लॉन्ग डेज. आंसर इज दैट क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट्स हैव देयर फ्लावरिंग इज एक्सेलरेटेड बाय द लॉन्ग डेज. फोर्थ वन आंसर. Question number 15. Flood sensitive plants get injured in response to the anoxia due to the absence of cell division, parenchyma, ion transport, protein synthesis. Actual mein kya hota hai ki jo uske andar anoxia ke liye response hota hai, ethylene banti hai isme. Flood sensitive flood ke andar. Aur ethylene ke response mein kya hota hai ki usko overcome karne ke liye ethylene ke response mein to elongation hota hai underground part ka. और उसमें एरेनकाइमा जो बनती है उसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई रूट्स को हो जाती है. तो आंसर होगा एरेनकाइमा नहीं होगा तो वो जो होता है सेंसिटिव प्लांट जो है उसमें डैमेज हो जाएगा. जिसके अंदर एरेनकाइमा मिलेगी वो डैमेज नहीं हो पाएगा. अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन एन एमआरएनए इज दिस वन एयूजी एसीसी सीएयू यूजीजी दिस वन. तो इसमें कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे? तो एक तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्योंकि लास्ट वाला जो होता है ये इसके अंदर ये वो है टर्मिनेशन कोडन है. टोटल जो होते हैं ये एमिनो एसिड जो होते हैं इसके अंदर 6 एमिनो एसिड लंबी जो है वो चेन यहां पर बनेगी. आंसर इसका जाएगा 4, 6 एमिनो एसिड इसमें कहें. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं पीरियड और उसमें पैलियोजोइक मीजोजोइक सीनोजोइक वगैरह ये सब पढ़ते हैं. देन क्वार्टरली इज ए पीरियड इरा और एन एपोक और एन इयोन. इट इज ए क्वार्टनरी ये पीरियड के इक्विवेलेंट आता है. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इपोक पीरियड इरा इयोन इयोन इरा पीरियड इपोक इपोक इरा इयोन एंड पीरियड इपोक इरा इयोन. आंसर इज द सेकेंड वन इयोन देन इरा देन पीरियड and then epoch. ये इसका descending order जो होता है इसका ये जाएगा second answer जाता है. इसके लिए आप कोई भी जो evolution की book है जो हमारी graduation में जो हम पढ़ते हैं post graduation में ये जो होती है particularly इस book को आप देख सकते हैं जो वीरबाला रस्तोगी वाली book evolution की वो sufficient है. archaic mammals extinct appearance of the modern animals occur in miocene oligocene eocene and paleocene. तो आंसर जो जाएगा इसका ये जो हुए थे एक्सटिंक्ट हुए थे इसमें इसमें आर्कटिक मैमल एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग ओलिगोसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बैच कॉलम का वायलोजेंथिन एंथ्राजेंथिन एंड डियाजेंथिन. ये एक वो है वायलोजेंथिन नाइदर ऑफ द टू रिंग्स हैज ए बाउंड ऑक्सीजन. एंथ्राजेंथिन ओनली वन ऑफ द टू रिंग्स हैज ए बाउंड ऑक्सीजन एंड डियाजेंथिन बोथ ऑफ द एरोमेटिक रिंग्स ऑफ इसकी जेंथिन हैव ए बाउंड ऑक्सीजन. तो आंसर जो है इसका जो ये बोथ ऑफ द रिंग ऑफ एरोमेटिक ऑक्सीजन बाउंड ये जाता है इसमें वायलोजेंथिन में. तो ए का इसमें थर्ड होना चाहिए और इसका जो ए का थर्ड आंसर है इसमें सेकंड वन में. तो ये आंसर यहां से ये क्लिक हो जाता है इसमें ये मैच होगा यहां पर इससे वाला. तो ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में किए हुए हैं
होप कि आपको ये क्वेश्चन अगेन जो है वो बेनिफिट देंगे, और आने वाले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको कुछ इसके अंदर हेल्प मिलेगी। थैंक यू, हैव ए हैप्पी मकर संक्रांति।